बच्चों आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं कार ऊर्जा और शक्ति। कार ऊर्जा शक्ति करने के पहले मेरे को यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है जिसको मैं बोल देता हूँ दो सदिशों का आदेश गुणनफल। हम इसको लेकर स्टडी करते हैं और दो सदिशों के अदिश गुणनफल को करने के लिए सबसे पहले वो तो देखिए मैं इसको डिफाइन करता हूँ। पहले हम इसको डिफाइन करते फिर एक्सप्लेन करते। मान लो एक सदिश ए है दूसरा सदिश बी है तो इसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। इसको मैं क्या बोल देता हूँ ए सदिश दूसरा है बी सदिश कॉस थीटा। ये मेरे पास यहाँ पर ये ऐसा भी लिखा जाता है ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए नेचर क्या होता है इस रूल को सेटिस्फाई करता है। इस सदिश में हम क्या करते हैं पहले डिफाइन कर देते हैं फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लेके चलते हैं। ज्यामिति ठीक है अर्थ ज्यामिति अर्थ को करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है। मैंने क्या बताया यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ज्यामिति अक्ष को समझने के लिए आप मान लीजिए ये एक सदिश ए है एक सदिश क्या है यहाँ पर बी है ये हो गया थीटा। मैं सदिश बी का घटक निकाल लेता हूँ यहाँ पे ठीक। सदिश बी का यहाँ पर कैसा घटक हो गया बी कॉस थीटा। तो मेरे पास क्या आ जाता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया ए इंटू बी कॉस थीटा। अब आप देखिए इस डायग्राम में यहाँ पर ये बी का प्रोजेक्शन या घटक एक ही दिशा में कितना है ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये हो जाता है सदिश ए का परिमाण एवं सदिश ए की दिशा में बी का घटक। इसको आप ऐसा समझ लीजिए जैसे मेरे पास ये पेन दिख रहा है ना। ये पेन दिख रहा है और इस पेन में ये मेरे पास सदिश बी है तो सदिश बी इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट कर रहा है ये जा रहा है। जैसे जैसे इसके ऊपर ये आएगा तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और ऐसे ऐसे करता जाएगा तो इसका इफेक्ट कैसा हो जाएगा कम होगा। तो इसका मतलब ये है सदिश बी का सदिश ए की दिशा में कितना घटक जाता है या कितना परिमाण होता है ये इसका मीनिंग हो जाता है ठीक है। इसके एग्जाम्पल जो हैं एग्जाम्पल नंबर है कार्य एक डब्लू इक्वल टू एफ डॉट एस के इक्वल आ जाता है। दूसरा शक्ति बी इक्वल टू एफ डॉट वी के इक्वल आती है। ये इसके क्या है एग्जाम्पल है। आगे आप वो तो देखिए इसके बारे में नंबर फोर्थ ए डॉट बी बराबर कितना आता है ए बी कॉस थीटा।
देखिए, अगर एक सदिश ए यहाँ है, इसके ऊपर भी सदिश डी आ जाए, तो इनके बीच में थीटा कैसा हो जाता है? 0 डिग्री के इक्वल आ जाता है। यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। अब खुद ही देखिए, ये सदिश ए है, ये सदिश बी है, सदिश ए की दिशा में बी का परिणाम कितना है? बी कॉस थीटा। अगर ये इसके ऊपर करेगा तो दोनों अपना ज्यादा परिणाम देने लगेंगे, इसलिए इसकी वैल्यू ये मैक्सिमम हो जाती है। बी देखिए, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 90। कॉस 90 यानी 0 के इक्वल। अब आप देखिए, यहाँ पर ये एक सदिश है, दूसरा सदिश ये है, ये ऐसा जा रहा, ये ऐसा जा रहा, तो ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? ए डॉट बी बराबर 0 डिग्री। नंबर फिफ्थ मेन इम्पॉर्टेंट आपके पास ये है, ठीक है, इकाई सदिश। ठीक, हमने यहां पर पढ़ा था इकाई सदिश आई ए और ए के इक्वल होते हैं। इकाई सदिश को नॉर्मल सदिश से अलग करने के लिए हम उसके ऊपर क्या कर लेते हैं? कैप लगा देते हैं। और आपको मालूम है आई इक्वल टू जे इक्वल टू के, ये इकाई सदिश होता है और इनका परिमाण एक के इक्वल होता है। इकाई सदिश वो होता है जिसका परिमाण कैसा होता है? एक होता है, इकाई सदिश कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मैं ये यहाँ पर एक्स वाई और जेड डायरेक्शन ले लेता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में इकाई सदिश आई, वाई डायरेक्शन में इकाई सदिश जे, जेड डायरेक्शन में इकाई सदिश कितने के इक्वल होता है? ए के इक्वल होता है। तो अब आप देखिए, इससे मैं एक रिजल्ट निकाल लेता हूँ, इम्पोर्टेंट रिजल्ट को याद रखिएगा, यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास नंबर वन, आप देखिए आई डॉट आई करूँ तो ये हो जाएगा आई का परिमाण, आई का परिमाण। ठीक, अब यहाँ पर अगर आई है और एक और आई को मल्टीप्लाई कर दूं, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 होगा, और दोनों मिलके अपना अधिकतम परिमाण देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस 0। तो आई डॉट आई इक्वल टू, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, 1 इंटू 1 कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये जे लिख दिया है, दैट इज इक्वल टू आई, ये आई के इक्वल है, ये आई है, ये आई है। ठीक, तो एक हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ जाता है, उससे हम ये निकाल लेते हैं कि आई डॉट आई, ऐसे जे के लिए चलेगा, जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 की वैल्यू के इक्वल आएगा। ये मेरे पास पहला रिजल्ट आ जाता है। दूसरा आप रिजल्ट देखें, ठीक, अगर मैंने आई डॉट ए कर दिया, देखिए आई इधर है, ए इधर है, वाई डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। आई ऐसा ऐसा, आई ऐसा है और जे ऐसा है, दोनों एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, यानी इनका कुल प्रभाव कितने के बराबर हो जाएगा? 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो आई डॉट जे इक्वल टू आई जे इंटू कॉस 90। वैसे भी आपको मालूम है कॉस 90 कितने के इक्वल होता है? 0 की वैल्यू के इक्वल होता है।
ये जीरो की वैल्यू के इक्वल हो गया, तो ये पूरी टर्म कितने के इक्वल हो जाएगी, जीरो। इसलिए मैंने क्या निकाल लिया, आई डॉट डे इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लेता हूँ। मेरे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट चलता है वो ये चलता है, आई डॉट जे, अब जे का के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ ये ऐसा, तो जे डॉट ए इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ए डॉट आई इक्वल टू जीरो हो गया। तो मेरे पास ये दो रिजल्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नंबर वन, आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू वन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज दैट आई डॉट जे इक्वल टू ए डॉट के इक्वल टू ए डॉट आई इक्वल टू जीरो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं। इन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कार ऊर्जा और शक्ति के बारे में जब कराऊंगा, तो मैं यहाँ पर इन रिजल्ट का या दो सदिशों के अदिश गुणनफल का मैं यहाँ पर यूज करके आपको बताऊंगा। तो चलिए इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है।